बड़ा जंगल था। उसमें बहुत सारे एनिमल्स रहते थे, लॉयन, टाइगर, जिराफ, एलिफेंट। उस जंगल में एक रैबिट भी रहता था। वो एक दिन कोकोनट ट्री के नीचे सो रहा था। एक दिन अचानक कोकोनट ट्री पर से एक कोकोनट नीचे गिरा और रैबिट डर के मारे उठ गया। बोला, ये क्या हुआ? ये किसकी आवाज आई है? लगता है जमीन फटने वाली है, चलो भागते हैं। ऐसा कहकर रैबिट वहां से भागने लगा। भागते भागते उसे एक एलिफेंट मिला। एलिफेंट ने पूछा, क्या हुआ रैबिट भाई, क्यों भाग रहे हो? तो रैबिट ने बोला, एलिफेंट भाई, एलिफेंट भाई, तुम भी भागो, धरती फटने वाली है, अपनी जान बचानी है तो भागो यहाँ से। और इस तरीके से रैबिट के पीछे एलिफेंट भी भागने लगा। ओके? खत्म नहीं, उसके बाद भागते भागते अचानक ही उनको मिला कैमल। कौन मिला? एलिफेंट, एलिफेंट भाई, क्यों भागे जा रहे हो? अरे, धरती फटने वाली है, तुमको जान बचाना है, तुम भी भागो। ऐसा एलिफेंट ने कहा और कैमल भी उसके पीछे भागने लगा। गई भागते भागते रास्ते में उन्हें एक काऊ मिली। क्या हुआ, क्यों भागे जा रहे हो तुम लोग? तो उससे कैमल ने बोला, धरती फटने वाली है, अपनी जान बचानी है तो तुम भी भागो। और इस तरीके से काऊ भी उनके पीछे भागने लगी। फिर उन्हें रास्ते में जिराफ में जेब्रा मिला, डियर, राइनासेरस, हिप्पोपोटेमस। उन्होंने सबको यही बोला। और इस तरीके से जंगल के जो सारे एनिमल्स थे ना, वो क्या करने लग गए? एक के पीछे एक भागने लगे। ठीक है? सब एक सारे एनिमल्स क्या करने लग गए बेटा? गिर भागने लग गए। अब भागते भागते उन्हें मिले, उन्हें कौन मिला? जंगल का राजा शेर, किंग ऑफ जंगल, लायन। गया। नहीं, उसने पूछा, वो टेंशन लेने लग गया कि अरे, जंगल के सारे एनिमल्स कहाँ जा रहे हैं? तो उसने पूछा कि भाई, आप लोग भागे भागे कहाँ जा रहे हो? तो जंगल के सारे एनिमल्स एक स्वर में बोले कि लॉयन भाई, लॉयन भाई, धरती फटने वाली है, अगर आपको भी अपनी जान बचानी है तो आप भी भागो। तो लॉयन ने पूछा, आपको किसने बोला? लॉयन ने सबसे पीछे वाले एनिमल से पूछा। तो वहां पे एक जेब्रा था। नहीं, सबसे पीछे कौन था? जिराफ। तो जिराफ ने बोला, पकड़िए इसको, मुझे तो ये बात डियर ने बोली। डियर से पूछा तो डियर ने बोला कि मुझे तो ये वाली बात हिप्पो ने बोली। हिप्पो से पूछा तो हिप्पो ने क्या बोला? मुझे तो ये वाली बात राइनासेरस ने बोली। ऐसे करते 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 मालूम पड़ा ये वाली बात किसने बोली थी? रैबिट ने। फिर लॉयन ने रैबिट से पूछा, रैबिट, तुम्हें कैसे मालूम पड़ा कि धरती फटने वाली है? तो उसने बताया कि मैं सो रहा था कोकोनट ट्री के नीचे, जोर से आवाज़ आई तो मुझे लगा धरती फटने वाली है और मैं जोर से भागा और मैंने सबकी जान बचाई। तो लॉयन ने कहा, हमें चल के देखना चाहिए वहां पर। तो इस तरीके सारे एनिमल्स लॉयन के संग उस कोकोनट ट्री के पास गए और वहां देखा कि एक बड़ा सा कोकोनट नीचे गिरा हुआ है। उसकी आवाज आई तो लॉयन ने सबको डांटा। किसको डांटा? सबको डांटा और सबको बोला कि पहले हमें हमेशा पहले देखना चाहिए, फिर विश्वास करना चाहिए, किसी की बात नहीं सुनना चाहिए। आप
सभी भागने लग गए। आपने देखा भी नहीं कि सच में धरती फट रही है कि नहीं फट रही है, बस एक के पीछे एक आप लोग भागने लग गए। तो जंगल के सारे जानवर लायन को सॉरी बोला और सब अपने अपने घर वापस चले गए। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कभी भी किसी की बातों में नहीं आना चाहिए, हमें सच्चाई खुद अपनी आँखों से देखना चाहिए। कैसी लगी स्टोरी नमन को? अब खत्म हुई स्टोरी। कैसी लगी? अच्छी। क्लैप कीजिए। थैंक यू बोली मैम को। खत्म हुई।